नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बंधक बनाकर कुटी से लुटे 2,10,000 रुपए। मंदिर के लिए चंदा कर एकत्र की गई थी रकम, नकाबपोशों ने दिया कई घंटों तक घटना को अंजाम। सूचना पर SP सिटी, CO, SO व पुलिस बल पहुंचे मौके पर। बुगरासी के बरहाना मार्ग स्थित कुटी का मामला। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम पारस नाथ वर्मा है जी, और मैं रात 1:30 बजे करीब में पूजा करके अपने कमरे में जा सो गया था। तो 1:45 बजे करीब में जो है यहाँ पर 3 आदमी आए, तो हमारे जो शिष्य हैं वो और हमारे चौहान साहब जिन्होंने जमीन दिया, इनको उनके हाथ पर बांध करके इनको ले गए मेरे पास, दरवाज़ा खुलवाया और पकड़ते तुरंत हमें दरवाजे में घुसते ही हमें बांध दिया और वह अपना तोड़ा फाड़ी करके जो सामान ले गए। अच्छा, लगभग कितने रुपए की आपसे लूट हुई है? वो 2,10,000 करीब लगभग। इसे ये भी सामान मंदिर लिए रख रखा था, टाइल बनवा लिया और मजदूर के खर्च के लिए। मैम, थाना नरसेना क्षेत्र के बोगरासी चौकी क्षेत्र में एक लूट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए, यहाँ पे बोगरासी कस्बे में एक जंगल में यहाँ पे कुटिया बनी हुई है जिसमें 2 बाबा रहते हैं। ये कल रात में 2 बाबा के साथ एक आदमी और थे यहाँ पे, जिनकी अपनी ज़मीन है, जिन्होंने इनको जगह दी हुई है रहने के लिए। ये लोग यहाँ रहते हैं। कल बता रहे हैं कि रात में 3 व्यक्ति यहाँ पे आए और इनके मोबाइल फ़ोन एवं कुछ पैसे जो इनके पास थे वो लेकर चले गए हैं। इस संबंध में पूरी अभी जाँच की जा रही है, टीम गठित कर दी है, शीघ्र ही इस घटना का निवारण किया जाएगा। मैम, कितनी टीमों को इस खुलासे के लिए गठित किया गया? अभी जो है इसमें 4 टीमें लगाई गई हैं एवं सर्विलांस और एसओजी की टीम भी मौके पर आ गई है, जो तत्काल इस घटना का निवारण करने में हमें मदद करेंगी। मैम, पीड़ित परिवार की तरफ से कितने की लगभग कितने रुपए की लूट बताई जा रही है? अभी इनके द्वारा 2,00,000 रुपए बताए गए हैं और इसमें यही है कि ये यहाँ पे जो बाबा रहते हैं, ये यहाँ रह के जो कुछ दूर दराज से भी लोग आते हैं इनका इलाज करते हैं। इन पे कोई वैसे डॉक्टरी तो की डिग्री तो नहीं है, पर इनके द्वारा बताया जाता है कि लोग इनसे मिलते हैं और इनके जो द्वारा जो जड़ी बूटी दे के जो इनकी मदद की जाती है जिससे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी भीड़ आती रहती है, लोग इनके पास आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जाँच पड़ताल में लगे हैं, जल्दी शीघ्र इसका घटना का निवारण किया जाएगा।